मैं किसी को भी नहीं बोलूंगा, नहीं मैं कोई पार्टी की बात कुछ नहीं बोलूंगा। बॉलीवुड को तो मैं साइड में रखती हूँ, तय होना चाहिए आज के डेट में, इस वजह से मैंने आज के दिन चुना। अच्छा मैं तो एक छोटी सी, हम लोग एक छोटे 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 इंसान है, मैं तो बताऊंगी। हम फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। क्या सुशांत ने वाकई ही आत्महत्या की थी या फिर उसकी हत्या कर इसे आत्महत्या दिखाने का प्रयास किया गया था, इन सब सवालों का जवाब सीबीआई खंगाल रही है। अभिनेता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से पूरा देश सहम गया था, लोग सुशांत सिंह के न्याय की मांग कर रहे। वहीं अब मेकअप आर्टिस्ट ककाली मेघानी ने बच्चों के साथ वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए सुशांत को न्याय की मांग कर रही है, और साथ में बच्चों से लेकर मेघानी के हाथ में सुशांत सिंह राजपूत की फोटो भी दिखाई दी। न्यू बॉम्बे से मैं एक क्रिएटिव मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मेरा एक इवेंट कंपनी है जहाँ पे हम बेसिकली क्रिकेटर को लेकर इवेंट करते हैं। मोस्टली मैं आर्टिस्ट तो बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, और आज जो हो रहा है, आजकल जो हो रहा है वो देखे तो और ही प्रेफर कर नहीं कर पाऊंगी आगे से। सुशांत सिंह को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या कहने के लिए आज आपने मीडिया से इंटरेक्ट किया है, क्या बताना चाहती हैं सुशांत सिंह? सुशांत सिंह के लिए तो मैं एक ही बात कहूंगी, सबसे पहले जो दिल से बोलूंगी, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह। हमको सुशांत सिंह की न्याय चाहिए, सुशांत के लिए हम मुझे न्याय चाहिए, मुझे सारे से मुझे नहीं मेरे देशवासी को, सारे देश को चाहिए न्याय। मेरे जितने सोसाइटी वाले जितने मेंबर्स हैं सबको सुशांत के लिए न्याय चाहिए, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह। आपको क्या लगता है, जिस तरह से सीबीआई जांच करके गई, एनसीबी तीन चार एजेंसी जांच करके गई, लेकिन अभी तक कुछ ना कुछ निकल के नहीं है, आपको क्या लगता है सुशांत का मर्डर हुआ है या फिर उसमें कुछ? तो जिस तरीके से सारे पिक्चर सामने आया अभी तक, तो उस सिलसिले में तो मुझे तो दिल से लग रहा है, जो मुझे जितना सोच आ रहा है देख के लग रहा है तो मर्डर है ये, क्योंकि सुसाइड इस तरीके के सुसाइड नहीं हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो लेकिन समझ में मुझे ये नहीं आ रहा अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये समझने में हमको बहुत तकलीफ हो रहा है, ये समझने में तकलीफ हो रही है कि अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला। अभी तक किसी को समझ भी नहीं है, आम पब्लिक को, जनता को, सबको पता है ये मर्डर है, ये नॉर्मल सुसाइड नहीं हो सकता है, सुसाइड तो दूर की बात है, नॉर्मल डेथ हो ही नहीं सकता ये, तो ये किस तरीके का न्याय है हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे तो डेफिनेटली पूछना है, सीबीआई को पूछना है, ईडी को पूछना है, मुझे नार्कोटिक डिपार्टमेंट को बताना है, पूछना है मेरे को। नार्कोटिक में अलग से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हो लोग, आप लोग आगे बढ़ रहे हो। और दूसरी बात है जो सुशांत सिंह को न्याय चाहिए, मतलब न्याय चाहिए ये हमें समझ में नहीं आ रहा अभी तक क्यों नहीं मिला, बहुत दिन हो गया, इतना टाइम लगता है इन्वेस्टिगेशन में, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आज तक ऐसा कभी सुना नहीं, मीडिया वालों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आज सारी दुनिया में, मतलब किसी के ऊपर अगर आज मैं भरोसा कर सकती हूँ तो सर मीडिया वाले के ऊपर भरोसा कर सकती हूँ, उसके अलावा किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती हूँ। अगर मुझे कुछ सीक्रेट बताना है मैं तो किसी मीडिया वालों को बुलाऊंगी, मेरी फ्रेंड सर्कल को बुलाऊंगी, मीडिया वाले मेरी फ्रेंड सर्कल उनको बुला के मैंने दो बात शेयर करूंगी, बाकी किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी बात, ये मेरी बात। आप सुशांत सिंह से क्या कभी आप मिली हैं, कभी उसे जान पहचान हुई है? सुशांत सिंह मैंने एक ही बार मिली हूँ फिल्म सिटी में, मेरा हमारा शूट चलता रहता है वहाँ पे, क्योंकि मैं एक क्रिएटिव मेकअप आर्टिस्ट हूँ, एक ही बार मिली, बट बहुत जॉली है, फ्रेंडली है, मतलब जान पहचान नहीं है, पहली बार देखा फिर भी हाय हेलो बातचीत, आइए चाय पी लेते साथ में, मतलब दो मिनट का बात हुआ था बस इतना, मतलब मेरे को भी समझ में नहीं, अचानक से मतलब इतना फ्रेंडली एक आर्टिस्ट, इतने अच्छे आर्टिस्ट, तभी तो अच्छा खासा उसका मूवी भी बन गया था, हो गया था, काफ़ी नाम भी हो गया था, क्योंकि बेसिकली आर्टिस्ट लोग इतना सामने से रह के बात नहीं करते जो हमें, मैं जितना देखा तो ये है। और भी दो चार आर्टिस्ट है अच्छे अच्छे लेडी आर्टिस्ट है, मैं अगर शिल्पा शेट्टी का नाम लूँ, शी वॉज़ वेरी गुड, तो वो सामने से बात करती है बुला के, अपने मेकअप आर्टिस्ट हो ये हो ये हो। तो आपने सुशांत सिंह का मेकअप भी किया था? नहीं नहीं मैंने सुशांत सिंह का मेकअप नहीं किया, मैं झूठी बोलूँगी, मैं दूसरे काम से किसी के साथ मिलने के लिए गई थी, वो सेट पे सुशांत सिंह का चल रहा था, तो काम चल रहा था, तो उस सिलसिले में उन्होंने सामने से मिल के बात किया था, दो ही मिनट बात हुआ था, ज़्यादा नहीं, फिर भी टाइम हो गया, बट एज ए पर्सन मैं बोलूँगी इज अ वेरी गुड, उसके बाद मेरा कभी बात नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसके लिए दिल बहुत रो रहा है, मैं एक बात बोलूँगी, दिल बहुत रो रहा है मेरा, सच्ची में बहुत दिल रो रहा है, उसको अगर जस्टिस नहीं मिलेंगे सच्ची में पता नहीं हम अपने आप को और कितने सुसाइड कर लेंगे लोग, और कितने लोगों का डेथ हो जाएगा हमें, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन ये इसको जस्टिस मिलना बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़रूरी है, मैं दिल से बता रही हूँ आपको, आप लोगों को ये चीज़ आज। इतना अटैचमेंट क्यों? अटैचमेंट मैं बताऊँ आपको, अटैचमेंट क्यों हुआ, आप बोल सकते हो एक तो भगवान का देन है,
अचानक से एक उगती हुई पौधे जिसको मतलब इतने अच्छे फ्रूट दे रहे हो पौधे, इतने अच्छे हरा भरा पौधे को अगर अचानक से काट दे, किसको दुख नहीं होगा? दूर दूर से देख को भी लगेगा किसी को भी, जी अरे बपरे ये पौधा सूख गया, कैसे सूख गया? देखा गया तो नीचे से काट दिया उसको। क्यों, कैसे, क्यों काटा? कोई प्रॉब्लम था पौधे में? फ्रूट नहीं दे रहा था, पानी नहीं दे रहा था, तुमको ऑक्सीजन नहीं दे रहा था, क्या नहीं दे रहा था, तुमने क्यों काटा उसको? इसका जवाब है तुम्हारे पास? पहले हमें दो जवाब, जवाब हमें मिलना चाहिए, जवाब दो हमें। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों काटा उसको ऐसे, इस तरीके से भी बुरी तरीके से, इसलिए दुख हो रहा है बहुत, इसीलिए बहुत दुख हो रहा है। सुशांत सिंह की कितनी फिल्मों को आपने देखा है और अभी जो लास्ट फिल्म थी उससे आपने क्या समझा, जिस प्रकार से उनकी डेथ हुई और उस फिल्म से भी वो उनकी डेथ हुई थी और ऐसा लगता है कि जैसे वो लास्ट बस। सुशांत सिंह की तो मूवी तो सारे मूवी हमने देख चुके ऑलरेडी, मतलब अभी जितने सब हिट मूवी है सब देखा मूवी, उस हिसाब से उसके बाद कैसे मौत हुआ बोलना मतलब थोड़ा मुश्किल होगा ओपनली। अगर शायद मैं अगर तुम्हारे साथ पर्सनली बैठूंगी तो शायद मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि ओपनली बोलना थोड़ा मुश्किल है। बट जो भी हुआ बहुत गलत हुआ उसके साथ, ये सही नहीं चीज़ है। घंटी भी बजी आज देखो, अभी मंदिर का घंटी बजाए सुनो, ये बिल्कुल गलत हुआ, सही बिल्कुल सही नहीं हुआ ये चीज़, गलत मतलब बहुत गलत हुआ। अदिशा शालियन एक लड़की कहाँ से भी आए, आज बॉम्बे की लड़की नहीं है, फेमस लड़की नहीं, किसी को भी उठा के ऊपर से फेंक दिया तुम लोगों ने। अरे भाई क्या है, खिलौना था क्या, उठाया और फेंक दिया? सुशांत सिंह का खिलौना था, आया और खोद के मार दिया, क्या है सीन? क्यों कर रहे हो ये सब? कौन बोला करने के लिए? किसके परमिशन में कर रहे हो, किसके बलबूते पे कर रहे हो? परमिशन तो वो दूर की बात है, किसके बलबूते पे कर रहे हो वो बताओ। हिम्मत है तो सामने आके बताओ, हम सब सामने बात कर रहे हैं, हम तो घर पे बैठ के पीछे बैठ के बात नहीं कर रहे। आज दिल्ली में जो हुआ, दिल्ली में भूख हड़ताल हो रहा है, खाना नहीं खा रहे, सब घर के अंदर बैठ के नहीं कर रहे, ग्राउंड जीरो पे कर रहे। तुम्हें भी हिम्मत है, सामने आके बात करो, जो करना है सामने सामने करो बात, पीछे बैठ के पीछे करके किसी को धमकी दे के कोई मतलब नहीं है। आप किसको निशाना कर रही हैं, किस पे आपका निशाना है? नहीं, निशाना तो मैं किसी को नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को भी नहीं बोलूँगा, नहीं मैं कोई पार्टी के बात कुछ नहीं बोल। बॉलीवुड को तो मैं साइड में रखती हूँ हमेशा, आप लोगों को भी पता रहेगा, आपने हमें मेरे इवेंट्स में आए हो, आप लोग बड़े बड़े इवेंट्स हुआ हमारा, वहाँ पे हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, आप लोगों को पता रहेगा मेरा, तो उसमें मैं देखा कभी बॉलीवुड की कोई भी आर्टिस्ट हम मेरे इवेंट में आए, मैं हमेशा क्रिकेटर को इनवाइट करती हूँ, दे आर वेरी गुड। 2 से 3 महीने हो गए सुशांत सिंह के मृत्यु को, उसके बाद एक खुलासे हुए, लेकिन आज आपने क्यों सही समझा बात करने को? आज एक्चुअली गांधी जी का बर्थडे है, स्वतंत्र का डे है आज, सत्य की जय होना चाहिए आज के डेट में, इस वजह से मैंने आज के दिन चुना। अच्छा मैम, आपने जैसे बताया कि सुशांत के मौत के बारे में कुछ जानकारी आपके पास है जो अकेले में कभी बैठ के बात कर सकते हैं, ऑन कैमरा नहीं बोल सकते हैं, क्या आप वो जानकारी सीबीआई के साथ शेयर करना चाहती है या फिर मौका मिलेगा तो आप सीबीआई को देंगी? देखिए मैं आपको कि फ्रैंकली बात बताऊँ, सीबीआई के पास जानकारी नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। सीबीआई के पास बहुत ज़्यादा जानकारी है, मेरे से ज़्यादा जानकारी है सीबीआई के पास। मैं तो एक छोटी सी, हम लोग एक छोटे 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 इंसान हैं, मैं तो बताऊँगी, हम मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं जाती हूँ, काम करती हूँ, आ जाती हूँ, सब करती हूँ, लेकिन इसके पास सीबीआई के पास जो सबूत नहीं है ये तो मैं मान ही नहीं सकती हूँ। हम मैं क्यों, कोई भी नहीं मान सकते सीबीआई के पास सबूत नहीं है। हो सकता है जो आपके पास इन्फॉर्मेशन हो उससे मदद मिल सके। मदद अगर मिलना है, अगर लगेगा मेरे को मदद करना चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगी, बट मुझे लगता नहीं है, मैं फ्रेंकली बता रही हूँ, मुझे लगता नहीं है जो हमें हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी उनको एक दो पॉइंट हम जाके बोले, उसके पास कई गुना 50 पॉइंट उसके पास ऑलरेडी है सीबीआई के पास, लेकिन खुलासा कब होएगा वही हमारा है, लेकिन लेट बहुत हो रहा है, बहुत डिले। आज वो उधर भूख हड़ताल में बैठा है ये लोग, आज वो चीज़ बॉम्बे में भी होना चाहिए, आज हो सकता था बॉम्बे में, होता तो बहुत अच्छा होता था, होता तो बहुत, मैं बोल रहा हूँ वापस बोल रहा हूँ, होता तो बहुत अच्छा होता था, लेकिन होगा जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। गेट ऑफ इंडिया में हम बैठ जाएंगे सब लोग, ये पूरी टीम के साथ, जितना टीम आप देखोगे पीछे सबके साथ हम बैठ जाएंगे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।